विदेश मंत्री सुषमा स्वराज और रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमन आज शंघाई कोऑपरेशन संगठन की बैठक में हिस्सा लेंगी। शुक्रवार को पीएम मोदी भी चीन जाएंगे। बीजिंग में हो रही शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की बैठक में विदेश मंत्री सुषमा स्वराज आपसी सहयोग और व्यापार बढ़ाने के अलावा बुनियादी मुद्दों पर चर्चा कर सकती है। वहीं रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमन रक्षा और रणनीतिक मुद्दों पर चर्चा कर सकती है। रक्षा मंत्री आतंकवाद से निपटने में सहयोग पर भी चर्चा कर सकती है। अगले दो दिन तक विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री देश हित से जुड़े मसलों पर एससीओ के 8 सदस्य देशों के साथ चर्चा करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी 27-28 अप्रैल को चीन का दौरा करेंगे। इस दौरान वो चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से शिखर वार्ता करेंगे। चीन ने कहा है कि दोनों नेता वैश्वीकरण और बढ़ते संरक्षणवाद को लेकर खतरे पर चर्चा करेंगे और दुनिया को काफी सकारात्मक चीजें सुनने को मिलेंगी। इट इज अ इनफॉर्मल समिट सो दे विल बी मीटिंग इन अ वेरी कैजुअल इनफॉर्मल एनवायरनमेंट। सोमवार को विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने भी चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात की। सुषमा ने भारत चीन दोस्ती में हिंदी के योगदान कार्यक्रम में भी हिस्सा लिया। चीन ने पाकिस्तान को भरोसा दिया है कि पाकिस्तान के साथ उसकी दोस्ती बरकरार रहेगी। पीएम मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की मुलाकात से पहले ही पाकिस्तान परेशान हो गया है। यही वजह है कि पाकिस्तान चीन से अपने अतीत का हवाला देकर अपना भविष्य बचाने में जुटा है। चीन ने स्टेट काउंसलर वांग यी और पाकिस्तान के विदेश मंत्री ख्वाजा आसिफ की मुलाकात के बाद पाकिस्तान को पुचकारने वाला बयान दिया। चीन के टॉप डिप्लोमेट और स्टेट काउंसलर वांग यी ने कहा है कि चीन पाकिस्तान को समर्थन देना जारी रखेगा। पाकिस्तान के साथ हमारी लोही जैसी दोस्ती में जंग नहीं लगेगी और ना ही स्टील में बदलेगी। हम अपने पाकिस्तानी भाइयों के साथ विकास के सपने को सच बनाने के लिए काम करने को तैयार हैं।